इंडिया का सबसे बड़ा मोमोज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आना चाहिए। तुम्हारा नाम तो आएगा ही आएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे 8 और आप धूप देख सकते हैं कितना कड़ा धूप है। और एक दिन हम कल पानी डालना भूल गए थे पेड़ में, कुछ काम से हम भूल गए थे तो सारा पेड़ मुरझा गया है। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि एक दिन भी अगर पानी ना डालो तो पेड़ सब सूख जा रहा है। तो अभी हम पानी डाल रहे हैं। ये है पत्ता गोभी, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्नफ्लावर, सनफ्लावर। तो अभी इसको घस रही है। क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? तुम बताओ। आप बताइए। तुम बताओ। आप बताइए। हमको ही पता है, हम लाए, हमें तो पता, हमको नहीं रहेगा। तो एक्चुअली में आज मोमोज बनने वाला है सुबह के नाश्ता में, तो मोमोज के लिए तैयारी स्टार्ट हो गया है नेहा का। और ये है कॉलीफ्लावर जो इसको घस रही है नेहा। बहुत मेहनत है, आप थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। आपको लगेगा, तुमको तीता लगेगा। तो हे गाइस, आज ये मेरा काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो पानी आज संडे है, मैं पानी डालू ना। और तो ये मोमोज का आटा सान रहा है, तो ये मेरा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, मतलब कर रहे हैं क्योंकि संडे है। तो ये मोमोज का आटा सान रहे हैं, इसमें नमक और तेल मिला चुके हैं और अब पानी दे के थोड़ा सान रहे हैं। और मेरा वहाँ मोमोज का डो भी तैयार है, थोड़ा सा दो चार तो ये बनेगा ना, मतलब भरने के लिए स्टफ तैयार है। और थोड़ा 2-4-5 हम पनीर का भी बनाने वाले हैं क्योंकि हमको पनीर का भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या? और पत्ता गोभी का तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा हरा भरा भी हो जाता है। हाँ, करी पत्ता इसमें डालोगे? करी पत्ता कौन डालता है इसमें? तो थोड़ा हरा भरा भी हो जाता है दिखने में, मतलब कड़ी पत्ता डालना नहीं, बंधा गोभी खाने से। अच्छा। पेट में। और मेरा दाल भात चढ़ा हुआ है अभी, मतलब दाल और सब्जी चढ़ा हुआ है दिन के लिए, और चावल दिन में बनाएंगे। आटा सन के तैयार है। ये है मोमोज का आटा जो कि है मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके नेहा बनाती है। तो ये दोनों मिक्स आटा है और देखिए हम कितना सुंदर सॉफ्ट एकदम साने खच 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 खच। अब तो अब हम इसको थोड़ा सा इसका पानी गाड़ेंगे और तत्काल के लिए इसको ढक दो। हाँ, और उसके बाद भर उड़ के तब, क्योंकि अभी घर का बहुत काम भी है तो सोचे हैं घर का काम करके तब नहाएंगे। तो जो स्टफिंग है इसका क्या है? पत्ता गोभी और प्याज और मिर्च का मिक्सर। इसका अभी जो पानी छोड़ रहा है वो पानी निकाल रही है नेहा। और इसको पानी निकालने से ये होता है कि फिर वो अंदर सूखा रहता है ना, सूखा रहता है। उसके बाद पूरा सूख जाता था तो हम लोग पहले यही करते थे, वही सूखा वाला ही भर देते थे। लेकिन उसके बाद एक वीडियो देखी यूट्यूब पे ही, तो उससे पता चला कि इसमें तेल मिलाया जाता है तब थोड़ा गीला टाइप। अच्छा, इसमें? हाँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है फिर। ये बिना पानी वाला है, गार चुकी है। और ये विथ वाटर है। और ये पानी पी लेगी ना तो बहुत इनर्जेटिक होगा, पता है ना तुमको, वेट लॉस करने में बहुत फायदेमंद हो। प्लीज आप पीजिए, हम नहीं पियेंगे। हम तो पियेंगे। और ये इसका स्टफिंग भी बन के तैयार हो चुका है। स्टफिंग भी बन के तैयार। अब इसको भरोगी उस आटा में? हाँ, अभी भर लेंगे, सब चीज कर लेंगे, भाप में भी चढ़ा देंगे। बनाओगी कब तक? बना भी अभी लेंगे क्योंकि हमको तो घर पूरा झाड़ना वाड़ना है, आज संडे है, संडे है तो आज तो करना जरूरी ही रहता। तो अभी हम चटनी बना रहे हैं मोमोज के लिए, मिर्ची और टमाटर, टमाटर भी है थोड़ा सा, टमाटर भी है, और अभी इसका छौंक लगा रहे हैं तोड़ी और मिर्ची से। और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में ना। टेस्टी तो लगता है। हे गाइस, तो ग्यारह अभी मोमोज बना रही है। क्या कर रही है क्यारा? बनाओ तो कैसे आटा को करती है। अरे वाह क्यारा, पूरा गिराई है, पूरा अपना कपड़ा में लगा ली है। क्यों क्यारा, वाई आर यू डूइंग लाइक दिस? दुगु दुगु मम्मी देखेगी ना, अभी तुमको पीटू पीटू कर देगी। नहीं गाइस, तो अभी नेहा मोमोज का स्टफिंग भर रही है। तो कैसा फील कर रही हो स्टफिंग भरते हुए? बहुत हमको लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। अपना तारीफ खुद करना पड़ता है आदमी को। नहीं, टेस्टी तो बनेगा ही। तुम तो टेस्टी ही बनाती हो हमेशा। हाँ, मोमोज तो हमेशा हम लोग का टेस्टी बनता है, एकदम दुकान टाइप, गैंगटॉक स्टाइल में। हम लोग गैंगटॉक और दार्जिलिंग गए थे तो कितना मोमोज खाते थे ना। दिन भर हम लोग मोमोज ही खा लेते थे, सुबह भी मोमोज, रात को भी मोमोज, इतना दिन में खा लेते मोमोज। इसी टाइप से अब बनते जाएगा। और इसको यहाँ पे रख रही है कपड़ा के नीचे, गीला कपड़ा है ताकि भीगे ना ना, ताकि सूखे ना। हाँ सॉरी, हाँ सूखे ना। तुम बेलते जाओ। और क्यारा ना वो खा रही है पीछे जाके, कच्चा आटा खा रही है तुम। अरे देखो कैसे छुप रही है, छुपने से क्या होगा। और हम बनाते बनाते अभी थक गए थे, तो अब ये भर रहे हैं 5-10 गो में। लास्ट बचा हुआ है, मतलब हो ही गया है लास्ट, अब फिनिश हो गया है। और एक बार एक स्लॉट तो हम दे भी दिए हैं बनने के लिए। और चलिए अभी ये पनीर वाला भर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाए थे कि पनीर वाला भी 2-4 गो बनाएंगे। ऐसे कौन करता है, हम करते हैं। तो यहाँ पे और इतना सारा बचा हुआ है, मतलब बनाने के लिए, और एक स्लॉट दे चुके हैं, सूख जाएगा ये। गाइस, तो नेहा का मोमोज बन के तैयार है, और देखने में तो बहुत यम्मी टेस्टी सारा चीज लग रहा है। इतना बड़ा मोमोज कौन खाता है, जल्दी बताइए कमेंट्स में। कौन खाता है, कौन खाता है? अभी तो हम ही लोग खाएंगे। सबसे बड़ा मोमोज बनाए आज हम दुनिया का। और इस सब में सबसे बड़ा ये वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा मोमोज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आना चाहिए। तुम्हारा नाम तो आएगा ही आएगा। तेल लगाई थे ना इसके लेयर में, तेल तो लगाए थे। अब देखते हैं। हाँ, ऊपर गया। गरम है, हाथ जले ना। मस्त, लेकिन दिख तो मस्त रहा है, बहुत अच्छा है। और खाने में भी मस्त लगेगा। हाँ, इसमें सिर्फ सब्जी भरे हैं ज्यादा, इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। बड़ा बड़ा चम्मच से उठाओगे, चम्मच से उठा लो, बड़ा वाला चम्मच है। हाँ देखिए, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है मोमोज का, है ना, और देखने में मस्त लग रहा है। तो जिसको जिसको खाना है मेरा मोमोज, टेस्टी मोमोज, तो जल्दी से आ जाइए। और कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लग रहा है दिखने में। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जिसको लालच हो रहा है उसको प्लीज जल्दी आ जाइए खाना खाने। क्या बोल रही है क्यारा? गोल 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 गोल, शर्मा गई क्या? अरे वाह, ऐसे कौन फरमाता है। तो ले लीजिए आपके लिए टेस्टी टेस्टी, और थाली को अच्छे से हम सजा के भी लाए। ये तो हम सब खा लेंगे, तो खा लीजिए, फिर तुम मुंह देखोगे। और एक बार बना हुआ है ना। क्या कर रही है? नहीं, आप बोल तो रहे सब खा लीजिए, लेकिन खा नहीं पाते हैं लास्ट। हाँ, 5-6 को खाते खाते माथा खराब। तो इसलिए इतना ही बनाए, और 2-4 को पनीर वाला है तो उसमें चढ़ा के आए। तो चलिए आपको बताते हैं खा के कि कैसा बना है। गाइस, तो अभी हम लोग मोमोज खा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मोमोज तैयार है, खा के बताओ कैसा बना। पहले आप बताइए, हम बनाए ना। ठीक है, हम ही बताते हैं। बहुत टेस्टी बनाई हो, थैंक यू सो मच इतना टेस्टी मोमोज के लिए। और तुम्हारा गिनीज बुक में नाम जाएगा इसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। क्या रखाएगी, वायरल हो जाए मेरा ब्लॉग, वही बहुत बड़ा बात है। कैसा लगा क्या रहा? वायरल हो जाए ब्लॉग। तो ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। और अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज ब्लॉग को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को प्लीज एक शेयर तो जरूर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि शेयर करने से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और ब्लॉग बनाने का हम लोग का मन करता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्या बोल दो, सब्सक्राइब कीजिए। मोमोज लीजिए।